डोमेन एक्सपेंशन द पिनिकल ऑफ जुजुत्सु सॉर्सरी। अब डोमेन एक्सपेंशन इतने रेयर है जुजुत्सु काइजन की सोसाइटी में कि लिटरली से 12 डोमेन एक्सपेंशन थ्रू आउट द सीरीज हमें दिखाए गए हैं। एंड आज हम उन 12 के 12 डोमेन एक्सपेंशन को समझने वाले हैं ताकि आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि कैसे डोमेन एक्सपेंशन वर्क करते हैं। अब उससे पहले मैं सारे डोमेन एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करूं, पहले हम ये जान लेते हैं कि डोमेन एक्सपेंशन होता क्या है। अब डोमेन एक्सपेंशन आपके लिटरली कर्स एनर्जी एंड आपकी ब्रेन पोटेंशियल पे बेस्ड होता है। जब डोमेन एक्सपेंशन को एक्सपेंड किया जाता है तब एक बैरियर क्रिएट हो जाता है एक सराउंडिंग के अंदर जहां पे आप अपने ओपोनेंट्स को ट्रैप कर लेते हैं। जहां पे डोमेन एक्सपेंशन के अंदर आप अपने जुजुत्सु सॉर्सरी को टॉप लेवल पे यूज कर सकते हैं। एंड हर डोमेन एक्सपेंशन को खोलने के लिए एक स्पेसिफिक हैंड साइन बनाना पड़ता है एंड ये हैंड साइन डिफरेंट हो सकते हैं, ये यूजर टू यूजर डिफाइंड रहता है। अब डोमेन एक्सपेंशन भी दो टाइप के होते हैं, लीथल एंड नॉन लीथल। पहले लीथल डोमेन एक्सपेंशन, ये वो डोमेन एक्सपेंशन होते हैं जिसे हम कहते हैं द श्योर इफेक्ट, मींस कि अगर आपने डोमेन एक्सपेंशन खोल दिया तो उसका हिट इफेक्ट 100% श्योर है। दूसरा होता है नॉन लीथल, जहां पे आपकी कर्स एनर्जी का आउटपुट बहुत बढ़ जाता है बट इस चीज को करने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक कंडीशन एंड टर्म्स को एग्री करना पड़ता है तभी आप उस पावर को ग्रैब कर सकते हैं। एंड डोमेन एक्सपेंशन लिटरली ब्रेन के ऊपर होता है तो विच मींस कि अगर दो इंसान के पास सेम पावर है तब भी उनके डोमेन एक्सपेंशन डिफरेंट होंगे। एंड अगर दो लोगों ने एक साथ डोमेन एक्सपेंशन को खोल दिया तो वो डोमेन एक्सपेंशन जीतेगा जो कि बेटर होगा। एंड जो भी सॉर्सरर डोमेन एक्सपेंशन को खोल लेता है उसके बाद वो कोई भी कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकता है कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, बट वो रिवर्स कर्स टेक्निक एंड अपनी कर्स एनर्जी को यूज कर सकता है। अब यहाँ पे दो टाइप के डोमेन्स और होते हैं जिसे हम कहते हैं द बैरियर लेस एंड द बैरियर डोमेन, विच मींस जहां पे डोमेन एक्सपेंशन बैरियर के अंदर होता है एंड जहां पे डोमेन एक्सपेंशन विदाउट बैरियर होता है बट उसकी एक रेंज होती है। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है कि डोमेन एक्सपेंशन कैसे वर्क करते हैं। नाउ फोकस ऑन द डोमेन एक्सपेंशन ऑफ जुजुत्सु काइजन एंड हम इसको सिंक्रोनस ऑर्डर में ही रखेंगे जहां पे जितने अनाइम एपिसोड कवर करे गए हैं डोमेन एक्सपेंशन के अंदर हम सारे कवर करेंगे। तो द फर्स्ट वन इज द कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन, जो कि एक लीथल डोमेन है जहां पे जोगो एक सराउंडिंग पैदा करता है जहां पे वो पूरी सराउंडिंग वॉल्केनो से भरी होती है। अब इस डोमेन एक्सपेंशन के अंदर जो हीट होती है वो इतनी इनॉर्मस होती है कि लिटरली नॉर्मल जुजुत्सु काइजन के लोग उसमें घुसते ही खत्म हो जाएंगे। अब यहां पे जोगो के पास इस डोमेन एक्सपेंशन के अंदर कैपेबिलिटी आती है कि वो लिटरली लावा एंड रॉक्स को कंट्रोल कर सकता है, जहां पे ये डोमेन एक्सपेंशन जोगो को अलाउ करता है द श्योर हिट इफेक्ट। ये कोई ज्यादा खास डोमेन नहीं है क्योंकि ये लिटरली गोजो ने अपने डोमेन एक्सपेंशन से उड़ा दिया था। एंड द नेक्स्ट वन इज द इनफिनाइट वॉइड, जो कि सातोरू गोजो का डोमेन एक्सपेंशन है जो कि लीथल डोमेन, जहां पे गोजो की सराउंडिंग के अंदर जो भी ओपोनेंट फंस जाता है वो लिटरली अनलिमिटेड टाइम तक अनलिमिटेड नॉलेज गेन कर लेता है जिसके कारण से उनके ओपोनेंट का ब्रेन फटने लगता है, जहां पे लिटरली कोई भी कुछ नहीं कर पाता है गोजो के डोमेन एक्सपेंशन के अंदर। अब ये कोई फिजिकल डैमेज नहीं करता बट ब्रेन में इतना ज्यादा डैमेज होता है कि आप कर्स एनर्जी कर्स टेक्निक सब कुछ नलफाई हो जाती है। अब गोजो के डोमेन एक्सपेंशन से बचने का सब एक ही तरीका है कि समहाउ आप गोजो को टच करें अदरवाइज यू आर गॉन। अब इस डोमेन एक्सपेंशन के काफी वेरिएशन है। इन द मांगा जब गोजो वर्सेस सुगुना की फाइट चल रही होती है तब लिटरली गोजो अपने डोमेन एक्सपेंशन को बहुत ज्यादा बड़ा एंड अपने बहुत ज्यादा छोटा साइज का कर सकता है। इनफैक्ट गोजो शिबुया इंसिडेंट पे सिर्फ 1.2 सेकंड के लिए भी अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल सकता है एंड टू बी ऑनेस्ट विदाउट अ डाउट दिस इज द बेस्ट डोमेन एक्सपेंशन आउट देयर इन द जुजुत्सु काइजन। एंड गोजो उन फ्यू कैरेक्टर्स में से आता है जो कि एक दिन में मल्टीपल टाइम्स डोमेन एक्सपेंशन को यूज कर सकते हैं बट इसके साथ एक प्रॉब्लम आती है कि गोजो का ब्रेन बहुत ज्यादा अमाउंट पे डैमेज हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज द सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ द परफेक्शन, जो कि माहितो का डोमेन एक्सपेंशन है। अब दूसरे डोमेन एक्सपेंशन की तरह ही माहितो का डोमेन एक्सपेंशन लिटरी माहितो की कर्स टेक्निक को काफी इनहेंस कर देता है एंड ये डोमेन एक्सपेंशन सबसे डेडलीस्ट डोमेन एक्सपेंशन है ड्यू टू द नेचर ऑफ हिज कर्स टेक्निक, जहां पे लिटरली माहितो के एक टच के वो किसी के भी सोल एंड बॉडी को मैनिपुलेट कर सकता है किसी भी स्तर से। एंड जुजुत्सु काइजन में ये एक लौता डोमेन एक्सपेंशन है जो कि दो साइंस से खुलता है। नेक्स्ट वन इज द मेगुमी डोमेन एक्सपेंशन, काइमेरा शैडो गार्डन एंड इट इज अ बैरियरलेस डोमेन एंड अभी टू बी ऑनेस्ट ये एक इनकम्प्लीट डोमेन है क्योंकि लिटरली मेगुमी अपनी पूरी सराउंडिंग को चेंज ही नहीं कर पाता, बट जहां पे मेगुमी अपनी 10 शैडो टेक्निक्स को बहुत ज्यादा पियर्सिंग अमाउंट तक यूज कर सकता है अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर एंड लिटरली वो कोई भी चीज उस गार्डन के अंदर समन कर सकता है अगर कभी ना कभी वो चीज उस गार्डन के अंदर ऑब्जर्व हुई हो तो। जहां पे मेगुमी को एक और एबिलिटी मिलती है कि वो शिनिगामी को पोर्ट तो कर ही सकता है बट अपने खुद के क्लोन्स भी बना सकता है बट अनाइम में इसको इतनी अच्छी तरीके से पोर्ट्रेट नहीं किया गया है। मेगुमी का डोमेन एक्सपेंशन लिटरली मांगा में बहुत टॉप क्लास तरीके से पोर्ट्रेट किया गया, जहां पे लिटरली मेगुमी अपने डोमेन एक्सपेंशन से दूसरे के डोमेन
डोमेन एक्सपेंशन पे होल क्रिएट कर सकता है, बट इसके लिए एक बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी यूज करनी पड़ती है, विच मीन्स कि मेगुमी का किसी डोमेन एक्सपेंशन के अंदर है तो वो उस डोमेन एक्सपेंशन से बाहर जा सकता है। जहां पे इस डोमेन एक्सपेंशन को और एक्सप्लेन किया जाता है, जहां पे लिटरली जो भी ओपोनेंट इस डोमेन एक्सपेंशन के अंदर होता है वो उसके डोमेन एक्सपेंशन के अंदर सिंक होता चला जाएगा जब तक वो उस डोमेन एक्सपेंशन के अंदर रहेगा। अब जहां पे लिटरली ये कंफ्यूजन है कि लिटरली यहां पे इसकी कर्स टेक्निक बहुत ज्यादा बूस्ट हो रही है या फिर लिटरली बहुत ज्यादा हैक सकता है मेगुमी का डोमेन एक्सपेंशन, एंड इट इज एन अनकंप्लीट डोमेन एक्सपेंशन। द नेक्स्ट वन इज द स्मॉल पॉक्स डीएटी। अब ये डोमेन एक्सपेंशन ऐसा डोमेन एक्सपेंशन है जिसको लिटरली लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये डोमेन एक्सपेंशन क्या है, बट आई से आई कवर ऑल द डोमेन एक्सपेंशन, तो ये रहा। ये बहुत सिंपल है, ये डोमेन एक्सपेंशन लिटरली अपने ओपोनेंट्स को एक कॉफिन के अंदर बंद कर देता है, एंड उस कॉफिन को लिटरली जमीन के अंदर गाड़ देता है। गाड़ने के बाद एक बहुत बड़ा पत्थर आता है उसके ऊपर, एंड अगर विक्टिम लिटरली 3 के काउंट से पहले उस कॉफिन के बाहर नहीं आ पाया तो वो कंप्लीटली मर जाएगा। एंड ये डोमेन एक्सपेंशन हमने शिबुया इंसिडेंट में मेमे के ऊपर देखा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज द होराइजन ऑफ द कैप्टिवेटिंग सकांदा, एंड ये डोमेन एक्सपेंशन है लिटरली द डिजास्टर कर्स स्पिरिट डैगन। अब ये डोमेन एक्सपेंशन लिटरली कुछ ज्यादा करता नहीं है, बट स्टिल हम इसको लीथल की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि इसका श्योरिट इफेक्ट है द डेथ सॉर्ब, जहां पे लिटरली बहुत सारी फिश अपने विक्टिम को लिटरली निगल जाती है, एंड ये चीज विजिबल भी नहीं होती एक नॉर्मल सॉर्सरर। अब ये टेक्निक बहुत ज्यादा इफेक्टिव है हर सॉर्सरर के ऊपर, बट अब इस डोमेन एक्सपेंशन का टाइम नहीं बताया गया क्योंकि सीजन 1 के अंदर जब सारी कर्स स्पिरिट बैठ के मीटिंग रखते हैं तो वो डैगन के डोमेन एक्सपेंशन के अंदर ही। अब ये डोमेन एक्सपेंशन कितने टाइम तक खुला रहता है ये चीज का मेंशन नहीं किया गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट वन विद द बैरियरलेस डोमेन सुकुना मार्वल एंड श्राइन। इट इज एन अश्योर हिट इफेक्ट लिटरली इस डोमेन एक्सपेंशन में लिटरली अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम तक स्लैशेस पड़ते हैं ओपोनेंट को, जहां पे सुकुना उसकी रेंज को छोटा या फिर 200 मीटर तक एक्सपेंड कर सकता है। अब यहाँ पे डोमेन एक्सपेंशन के अंदर भी स्लैशेस दो टाइप के होते हैं, द क्लीव एंड द डिसमेंटल, एंड सुकुना डिसाइड कर सकता है कि उसको ये दोनों में अटैक में से किसको यूज करना है। जैसे कि अगर कर्स एनर्जी को यूज अटैक को यूज करना है तो वो क्लीव्स को यूज करेगा, एंड जिन लोगों के पास कोई भी कर्स टेक्निक नहीं है, कोई कर्स एनर्जी नहीं है, उसमें वो डिसमेंटल यूज करेगा। एंड लिटरली ये सुकुना के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम तक उस स्लैशेस को मारना चाहता है जब तक ओपोनेंट कंप्लीटली टेड ना हो जाए। अब जस्ट लाइक गोजो, सुकुना भी अपने डोमेन एक्सपेंशन के वेरिएशन में आता है, बट दिस नो डाउट दैट दिस इज द बेस्ट डोमेन एक्सपेंशन इन द जुजुत्सु काइजन, मे बी इवन बेटर देन गोजोस। नाउ माय वन ऑफ द बेस्ट डोमेन एक्सपेंशन आइडल डेथ सेंटेंसिंग, एंड ये डोमेन एक्सपेंशन बिलोंग करता है हिगुरामो को। इट इज अ नॉन लीथल डोमेन। यहां पे हिगुरामो अपने डोमेन एक्सपेंशन को इस तरीके से खोलता है जहां पे एक कोर्ट रूम आ जाता है जहां पे जज होता है, सामने ओपोनेंट एंड हिगुरामो खुद। अब इस डोमेन एक्सपेंशन के अंदर आप कोई भी फाइटिंग कैपेबिलिटी यूज नहीं कर सकते, एंड जज होता है उसको उसके विक्टिम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है, बट ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करी जाती। जहां पे जजमेंट लिटरली ओपोनेंट को ये बताएगा कि उसने क्या क्या क्राइम किए गए, उसके बाद ओपोनेंट को ये बताना होगा कि मैंने ये क्राइम नहीं किए, उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा। उसके पास ग्रामे के पास एक स्लिप होगी जहां पे वो ये प्रूफ कर सकता है कि हैस इस ओपोनेंट ने कोई ना कोई क्राइम किया है। अब ओपोनेंट को ये चीज को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ 3 तरीके हैं, या फिर वो साइलेंट रहे, या फिर वो हां कर दे कि मैंने ये क्राइम कमिट किया है, या फिर वो कंप्लीटली ना कर दे। अब जब हिगुरामो एंड उसके ओपोनेंट ये चीज कर लेते हैं पूरी प्रोसेस को, उसके बाद जजमेंट डिसाइड करता है कि क्या पनिशमेंट देनी है, एंड अगर वो लिटरली इनोसेंट प्रूफ नहीं होता है तो दो तरीके की पनिशमेंट जजमेंट दे सकता है। पहला कि अगर वो नॉन इनोसेंट प्रूफ हो गया तो वो अपनी कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकता, विच मीन्स कि वो कर्स एनर्जी को भी यूज नहीं कर सकता। सेकेंड है द डेथ पेनल्टी, जिसमें लिटरली दोनों ही इफेक्ट एड ऑन होते हैं, जहां पे ओपोनेंट अपनी कर्स एनर्जी तो यूज कर ही नहीं सकता, उल्टा हिगुरामो के पास एक एग्जीक्यूशन सॉर्ड आती है जिसके अगर वो एक बार भी अपने ओपोनेंट को टच हो गई तो वो डेड है। आई नो इट्स लिटरली टू कॉम्प्लिकेटेड, बट इट इज व्हाट इट इज। एंड हाँ, एक इस डोमेन एक्सपेंशन की एक और बात यह है कि लिटरली जो नॉन इनोसेंट प्रूफ हुआ है वो एक और रीट्रायल की अपील कर सकता है। नाउ माई फेवरेट डोमेन एक्सपेंशन इन द जुजुत्सु काइजन इज द आइडल डेथ गैम्बलिंग, एंड ये बिलोंग करता है वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर इन जुजुत्सु काइजन हकारी। अब ये एक नॉन लीथल डोमेन है जहां पे हकारी एक डोमेन एक्सपेंशन को क्रिएट करता है जो कि एक स्टेशन टाइप एंड बैटिंग टाइप जगह होता है, जहां पे लिटरली हकारी का एक ही मकसद है कि वो उन वेंडिंग मशीन के अंदर से जैकपॉट को गेन कर पाए। एंड ये पूरा डोमेन एक्सपेंशन एक टिपिकली लव मांगा के ऊपर बेस्ड है, जहां पे अलग-अलग कैरेक्टर को दिखाया जाता है। अब हकारी जैसे ही डोमेन एक्सपेंशन को खोलता है, जितने भी रूल्स उस डोमेन एक्सपेंशन के अंदर होते हैं वो लिटरली उसके ब्रेन के अंदर ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं। एंड क्योंकि अब ये एक नॉन लीथल डोमेन है तो लिटरली आप इस डोमेन एक्सपेंशन को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अब जैसे ये डोमेन एक्सपेंशन कास्ट होता है, ओपोनेंट एंड हकारी सेम पोजीशन पे होते हैं। उसके बाद हकारी तीन चीज को अप्लाई कर सकता है। पहला होता है द डोस, उसके बाद होता है द रेजिडेंट बॉल, एंड एक होता है द कंसेक्यूटिव इफेक्ट। एंड ये एक ऑफेंसिव टाइप अटैक्स होते हैं जो कि हकारी अपने ओपोनेंट्स के ऊपर लैंड कर सकता है। बट जो कंसेक्यूटिव इफेक्ट होता है वो लिटरली उसके ओपोनेंट्स के कोई भी डैमेज को इन्फ्लिक्ट करने के लिए होता है। बट जितने भी मैंने ये कवर करे वो लिटरली उसके मेन पॉइंट्स तो है ही नहीं। बट ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हकारी को अपने डोमेन एक्सपेंशन पे करने के लिए, क्योंकि इसके बिना हकारी जैकपॉट नहीं ला सकता। एंड हकारी जैकपॉट को समन करने के बाद जब तीन सिंबल सेम तरीके के आ जाते हैं तब हकारी जैकपॉट समन कर देता है। उसके बाद हकारी के पास 4 मिनट 12 सेकंड तक अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी आ जाती है, जहां पे वो बिना सोचे रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है, वो भी 4 मिनट 12 सेकंड तक। एंड अगर हकारी को लगता है कि लिटरली मेरी कर्स एनर्जी अब खत्म होने वाली, सो वो अपने डोमेन एक्सपेंशन को दोबारा समन कर सकता है एंड सेम चीज को रिपीटेड टाइम तक यूज कर सकता है। एंड अगर हकारी अपने जैकपॉट को दोबारा हिट कर देता है तो वो लिटरली दोबारा 4 मिनट 12 सेकंड तक अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी ले सकता है। बट टू बी फेयर ये थोड़ा सा लिटिल कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैंने सिंपलिसिटी में समझाने की कोशिश करी है कि हकारी का डोमेन एक्सपेंशन कैसे वर्क करता है। एंड ऑनेस्टली बोलूं हकारी अनलिमिटेड टाइम तक जैकपॉट को हिट कर सकता है। अब टिपिकली 4 डोमेन एक्सपेंशन रह गए कवर करने के लिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन इज द टाइम सेल मून पैलेस एंड इट इज अ लीथल डोमेन। अब ये डोमेन एक्सपेंशन कभी अजीब टाइप का डोमेन एक्सपेंशन है, क्योंकि डोमेन एक्सपेंशन के ऑन होने के बाद ही लिटरली टाइम फ्रेम जैसी एड ऑन हो जाती है एंड वो लिटरली अपने ओपोनेंट के नेक पे जाके घुसती है, जहां पे लिटरली ओपोनेंट सिर्फ 24 फ्रेम पर सेकंड से ही मूव कर सकता है। लिटरली ये डोमेन एक्सपेंशन इतना टॉप क्लास है कि लिटरली सिर्फ बॉडी ही आपकी 24 सेकंड फ्रेम पे नहीं चलेगी, लिटरली आपकी सेल तक वो डिसाइड कर सकता है कि वो 24 पर सेकंड फ्रेम में चलनी चाहिए कि नहीं। एंड लिटरली वो डिसाइड कर सकता है कि अपने ओपोनेंट को कि वो किसको स्टॉप करना चाहता है एंड किसको स्टार्ट करना चाहता है। जहां पे लिटरली ये बोलने के बाद ओपोनेंट बहुत सारे स्लैशेस को फेस करता है एंड ये जो दर्द है वो इटर्निटी तक रह सकता है। ये डोमेन एक्सपेंशन इतना ताकतवर था लिटरली सिर्फ माकी थी इकलौती डोमेन एक्सपेंशन को हराने के लिए, क्योंकि माकी के ऊपर कोई भी डोमेन एक्सपेंशन लागू ही नहीं होता। एनीवे दूसरा डोमेन एक्सपेंशन है केंचाकू का वूम प्रोफ्यूजन। अब ऑनेस्टली इस डोमेन एक्सपेंशन के बारे में ज्यादा डिटेल में मांगा के अंदर एक्सप्लेन किया ही नहीं गया एंड इट इज अ बैरियरलेस डोमेन। बट ये चीज मालूम है कि ये डोमेन एक्सपेंशन इतना ताकतवर डोमेन एक्सपेंशन था कि लिटरली यूकी की फटके हाथ में आ जाती है। एंड हमें ये मालूम ही नहीं पड़ता कि ये डोमेन एक्सपेंशन की पावर क्यों है, क्योंकि लिटरली यू की 5 सेकंड से भी। अब इस डोमेन एक्सपेंशन के बारे में ज्यादा नहीं पता है तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट डोमेन एक्सपेंशन पे, जो कि है यूरुजो का डोमेन एक्सपेंशन। एंड इस डोमेन एक्सपेंशन का नाम है द थ्रीफोल्ड एफ्लेक्शन। जस्ट लाइक केंजाकू हमें भी इस डोमेन एक्सपेंशन के बारे में ज्यादा पता ही नहीं, क्योंकि जब यूरुजो ने ये डोमेन एक्सपेंशन खोला था कुछ ही सेकंड के बाद यूरुजो जुजुत्सु काइजन के अंदर नहीं रही। बट ये गारंटी है कि इट इज एन अश्योर्ड इफेक्ट डोमेन एक्सपेंशन। अब यूरुजो के अकॉर्डिंग ये डोमेन एक्सपेंशन बहुत ज्यादा पावरफुल था अगर वो अपने स्पेयर के साथ इस डोमेन एक्सपेंशन को कोलैप कर देती है। द यूटास डोमेन एक्सपेंशन विच इज द ट्रू एंड द म्यूचुअल लव, जहां पे यूटा लिटरली किसी भी ओपोनेंट्स की टेक्निक को कॉपी कर सकता है अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर, जहां पे बहुत ज्यादा इनफिनाइट अमाउंट ऑफ स्वॉर्ड समन हो जाती है, जिसके अंदर हर एक शॉट के अंदर एक कर्स टेक्निक छुपी रहती है। बट अनफॉर्चुनेटली यूटा को भी ये नहीं मालूम होता है कि उस तलवार के अंदर कौन सी कर्स टेक्निक छुपी है अंटिल वो उसको टच नहीं कर लेता। एंड यूटा उस टेक्निक को इनफिनाइट अमाउंट ऑफ टाइम तक यूज कर सकता है अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर, एंड ये डोमेन एक्सपेंशन भी लीथल डोमेन एक्सपेंशन के अंदर आता है। अब बहुत सारी चीजें इस डोमेन एक्सपेंशन के बारे में ज्यादा रिवील नहीं करी गई, क्योंकि यूटा इस डोमेन एक्सपेंशन को ज्यादा देर तक कास्ट कर ही नहीं पाया जस्ट बिकॉज ऑफ सुकुना। बट एनीवे ये थे जुजुत्सु काइजन के सारे डोमेन एक्सपेंशन, जो कि लिटरली टॉप क्लास हैं, जिसमें कुछ डोमेन एक्सपेंशन तो बहुत ही बेहतरीन है एंड कुछ डोमेन एक्सपेंशन तो ऐसे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब है और ना है फर्क नहीं पड़ता। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं लिटरली उसका जवाब देना ज्यादा पसंद करूंगा। सो आई विल सी ऑन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंटिल सायोनारा।